Hello guys, welcome to my channel. Today we will discuss radiation method of sterilization. Radiation is a type of physical method of sterilization. Radiation जो रहती है sterilization की physical method रहती है. So सबसे पहले हम इसकी definition को discuss करेंगे. Energy transmitted through space in a variety of form is called radiation. Radiation वो होती है space से अलग अलग फॉर्म में वेवलेंथ हमारे तक आती है, इसको अपन रेडिएशन बोलते हैं. दीज मेथड आल्सो कॉल्ड कोल्ड स्टरलाइजेशन. रेडिएशन मेथड को अपन कोल्ड स्टरलाइजेशन भी बोलते हैं. ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें अपन लाइक ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन की तरह बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर यूज़ नहीं करते, इसलिए इसको कोल्ड स्टरलाइजेशन भी बोलते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ रेडिएशन. रेडिएशन जो है वेवलेंथ के बेसिस पे अलग अलग टाइप्स में डिवाइड की है. सो दे आर टू टाइप्स, आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन. सो आयोनाइजिंग रेडिएशन आर डिवाइडेड इनटू गामा रेज, एक्स रेज एंड कैथोड रेज. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज आयोनाइजिंग रेडिएशन? इट कॉजेज म्यूटेशन और डेथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय डैमेजिंग द डीएनए एंड प्रोटीन. आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या करती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डीएनए और प्रोटीन को जो है डैमेज कर देती है, जिससे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की जो है डेथ हो जाती है. नेक्स्ट, देर आर दीज रेज आर हाईली लीथल टू डीएनए एंड वाइटल सेल ऑर्गेनिज्म. ये जो रहती है कि आयोनाइजिंग रेडिएशन, ये डीएनए के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस रहती है और अदर लिविंग सेल्स जो प्रेजेंट रहती उनके लिए. और आयोनाइजिंग रेडिएशन की जो पेनिट्रेशन पावर जो रहती है बहुत ज़्यादा हाई रहती है कि. देन आयोनाइजिंग रेडिएशन को भी अपन अलग अलग टाइप्स में डिवाइस करते हैं. फर्स्ट वन इज एक्स रेज. तो जो एक्स रेज रहती है वह द एक्स रेज हैव कंसिडरेबल एनर्जी एंड पेनिट्रेशन एबिलिटी विच यूज टू प्रोड्यूस लीथल इफेक्ट ऑन माइक्रोब्स. एक्स रेज क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे बहुत लीथल इफेक्ट कॉज करती है कि. एक्सरेज जो रहती है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहती हैगी और इसके लिए इसको डिफ़िकल्ट टू यूटिलाइज रहती हैगी. जो एक्सरेज रहती है वो हमारी आईज से इनविजिबल रहती है, लेकिन इसके अंदर एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा रहती है. नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ एक्सरेज? तो एक्सरेज जो है कैंसर ट्रीटमेंट में भी यूज़ की जाती है. जैसे हमारी बॉडी, इसके अंदर हम अगर अपने को इंटरनल पार्ट्स देखना हो तो हम नहीं देख सकते, लेकिन विद द हेल्प ऑफ एक्सरेज हम जो है इंटरनल ऑर्गन्स की भी स्टडी कर सकते हैं. अगर कोई मैलिग्नेंट टिश्यू हमारी बॉडी में जनरेट हो रहा है तो हम एक्सरेज से पता लगा सकते हैं. नेक्स्ट है माइक्रोबियल म्यूटेंट. हमारी बॉडी में कुछ म्यूटेशन तो नहीं हो रहा, उसको भी हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक्सरेज से. नेक्स्ट इज देयर आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग फोटोग्राफिक फिल्म. हम जो हमारे एक्सरेज कराने जाते हैं हॉस्पिटल्स वगैरह में, तो क्या इन द फॉर्म ऑफ फिल्म भी अपन जो है हमारी बॉडी के जो मसल्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो इन द फॉर्म ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म हम जो है डिटेक्ट कर सकते हैं. नाउ द सेकेंड वन इज गामा रेज. तो गामा रेज जो रहती है एक्सरेज से सिमिलर रहती है, लेकिन इसकी वेवलेंथ जो है कम रहती है एज कम्पेयर टू एक्सरेज. सो गामा रेज जो है हमारी जो बॉडी बैक्टीरिया की जो सेल है और डीएनए है उसके ऊपर डायरेक्ट हीट करती हैगी और उसको किल कर देती है. नाउ यूजेज ऑफ गामा रेज. तो गामा रेज में सबसे पहले अपन देखें कोबाल्ट 60 जो है स्टरलाइजेशन में यूज़ किया जाता है, ये भी एक गामा रेज हैगी. और इसके अलावा ये जो है ह्यूमन के टिश्यू ग्राफ्ट में, कनेक्टिव टिश्यू, एलोग्राफ, प्लास्टिक सर्जरी एटसेट्रा. एलोग्राफ एंड ऑटोग्राफ, यहाँ पे दो वर्ड हैं. तो ऑटोग्राफ मतलब अगर हमारी कुछ सर्जरी हो रही है तो हम क्या करते हैं, एक ही पर्सन की बॉडी से कहीं से कोई पार्ट कट करके उसको दूसरी जगह पर लगाते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोग्राफ. बट ऐसा होता है कि कोई पर्सन के बॉडी पे जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, दूसरे पर्सन में करते हैं, इसलिए इसको एलोग्राफ्ट बोलते हैं. तो इनको भी जो स्टरलाइज करने के लिए अपन जो है गामा रेस का यूज करते हैं. नाउ थर्ड वन इज कैथोड रेस. कैथोड रेस क्या होती है, जब अपन एनोड और कैथोड को जब इनके बीच में
रिएक्शन होती है तो क्या होता है, एक हाई वोल्टेज की बीम जनरेट होती है जिसको बोलते हैं कैथोड रे। तो इसके ये जिस इंस्ट्रूमेंट के अंदर कराते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटर यूज़ करते हैंगे। और कैथोड रे का अपन यूज़ करते हैं स्टरलाइजेशन ऑफ ड्रग्स में, सर्जिकल में और दूसरे अदर मटेरियल्स में। नाउ नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या होती है, अपन इसमें डिस्कस करेंगे यूवी रेस। यूवी रेस का सबसे ज़्यादा प्रिंसिपल में अपन मेन सोर्स बोल सकते हैं, अगर यूवी रेस किसी को मिलती है हमें डायरेक्ट किससे मिलती है, सनलाइट से मिलती हैगी। और यूवी रेस की रेंज होती है 200 से 400 नैनोमीटर तक। इस जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन रहती है इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा कम रहती है एज़ कम्पेयर टू आयोनाइजिंग रेडिएशन। ये क्या करती हैं, सेल के जो डीएनए है उसके अंदर क्या करती है, वो जो सेल का डीएनए है वो प्यूरीन और प्रीमिडीन को एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कॉन्टैक्ट में आता है और डेथ हो जाती है कि। और यूवी की वेवलेंथ जो अपन यूज़ करते हैं 200 टू 265 नैनोमीटर की। नाउ यूवी रेडिएशन जो है मेनली जो है एसेप्टिक रूम मेंटेन करना हो, जैसे कि फार्मा कंपनी में अगर अपन बात करें तो कोई भी लैब में जो प्रैक्टिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट करता है वो एलएएफ के अंदर करता है। तो एलएएफ में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के पहले उसमें क्या करते हैं, यूवी लाइट को ऑन करते हैं। यूवी लाइट ऑन करने का मेन कारण यही रहता है कि उसके अंदर अगर कोई एलएएफ के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो तो उसकी क्या हो जाए, डेथ हो जाए। उसके बाद इसको सरफेस को क्लीन करने के लिए भी करते हैंगे। और यूवी रेस इज़ यूज हॉस्पिटल्स, जैसे ऑपरेशन के पहले ऑपरेशन थिएटर को में यूवी लाइट को ऑन करते हैं एंड आफ्टर द ऑपरेशन भी अपन यूवी लाइट ऑन करते हैं। इसका रीज़न यही है कि बिफोर एंड आफ्टर ऑपरेशन अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो ऑपरेशन रूम में तो वो किल हो जाए। अब अगर अपन इसकी रेडिएशन मेथड के एडवांटेज की बात करें तो जो इसका मेन यूजेस तो यही है कि जो एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसको किल करने के लिए, और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थर्मली लेबाइलो मीन्स टेम्परेचर के सेंसिटिव हो, जो हाई टेम्परेचर में किल हो जाए, उनके लिए अपन जो है रेडिएशन का यूज़ करते हैं। और इसका थर्ड एडवांटेज है ये कोई केमिकल रेसिड्यूज़ नहीं बनाता है और इसको करने में हमें बहुत ज़्यादा कम टाइम लगता है का। इसका डिसएडवांटेज की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली मेथड होती है एज़ कम्पेयर टू हीट स्टरलाइजेशन। उसके बाद इसके अंदर हाईली स्पेशलाइज इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहते हैं। अब अपन इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है लाइक गामा रे जो है एंटीबायोटिक को स्टरलाइज करने में यूज़ की जाती है, हार्मोन्स को, सूचर्स को, प्लास्टिक्स को एट्सेट्रा। सूचर्स मतलब जो अपनों को टाके वगैरह लगते हैं तो इसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं वह सभी गामा रेस से स्टरलाइज होकर यूज़ होते हैं। अब अपन बात करें नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे कि यूवी रे जो है ऑपरेशन रूम्स को जो है स्टरलाइज करने में यूज़ होता है, और फार्मा कंपनी में जो एलएएफ वगैरह जो है अगर इसको अपन ले रहे हैं तो उसको भी यूज़ करने में यूज़ होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे, सूटेबल लगे यूज़ के, तो चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।